अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ऑफिस वाले आपसे पहले से ज्यादा घंटे तक काम करा रहे हैं या ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। भारत सरकार जल्द ही वर्क फ्रॉम होम को लेकर कानून बना सकती है, जिसमें ये बताया जाएगा कि कंपनी की अपने कर्मचारी के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। कई कंपनियां कोविड-19 के प्रकोप के चलते अभी भी अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं। इसके लिए कोई तय फ्रेमवर्क नहीं है। अक्सर कई कर्मचारी आरोप लगाते हैं कि उनके ऑफिस में उनसे ज्यादा काम लिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी मदद लेकर वो ऑफिस वालों के शोषण का विरोध कर सकें। सारा दिन एक आदमी आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है, आपको कॉल्स भी वहीं पे लेनी है, आपको काम भी वहीं पे करना है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, आजकल सभी घर पे हैं, तो सब लोगों को लगता है कि यार वो उनका जो रेस्ट का टाइम है तब भी मैं कॉल पे ही लगा हुआ हूँ। माना जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम के कानून में काम करने के घंटे तय किए जा सकते हैं। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम के दौरान होने वाली बिजली और इंटरनेट जैसे खर्चों के लिए कंपनी कितने पैसे दे, ये भी कानून में तय किया जाएगा। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि वर्क फ्रॉम होम के लिए नियम तय किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार जल्द एक्शन ले सकती है। तो आपको ये क्लियर नहीं है कि ये वर्किंग टाइम है, ये रिलैक्सिंग टाइम है, फिर घर पे आप कॉन्स्टेंटली बच्चों के साथ हैं, वाइफ के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, जिसकी कोई डिमांड हो सकती है, कोई नीड हो सकती है, उनको ये लगता है कि आप हो, जबकि आप फिजिकली हो, मेंटली हो नहीं, क्योंकि आप काम कर रहे हो। तो इस वजह से जो ये जो बैलेंस खराब हो गया है वर्क लाइफ का, जो लोग अकेले रह रहे हैं उनके लिए डिप्रेशन हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम के लिए केंद्र सरकार औपचारिक स्ट्रक्चर बनाना चाहती है। पुर्तगाल में हाल ही में बनाए गए कानून से वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षा मिली है। पुर्तगाल में श्रम नियमों की एक रूपरेखा तैयार की गई है। इस कानून से कर्मचारियों के शोषण को रोकने में मदद मिली है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।